तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये माधवी कितने कपड़े हैं ये? मैंने गिने नहीं। माधवी मैं फ्री में इस्त्री करता हूँ बोल के तुम आजू बाजू वाले से कपड़े तो नहीं लिखे ना इसमें? नहीं हो, अपने ही है और थोड़े और है। कल आपकी छुट्टी बस। हो गया कि नहीं तेरा? नहीं, कहाँ हुआ उसका, कब से मोबाइल पे गेम खेल रही है और ही करके हंस रही है। जरा घर के काम का सीखो। बाबा मुझे तो ये घर के काम नहीं करने, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। नहीं नहीं, पढ़ना तो तुम्हें है ही सोनू, मैं तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगा। तुम ग्रेजुएट बनो, डबल ग्रेजुएट बनो। अरे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि लड़कियों को लड़कों से ज्यादा पढ़ना चाहिए ताकि समाज में इज्जत के साथ जीना आ सके। हाँ, लेकिन साथ में घर के काम का सीखने चाहिए बेटा, क्या है उससे स्वावलंबन आता है। हा? अभी देखो ना, हमारे जमाने में इस्त्री करना सीखा था, वो आज कितना काम आ रहा है देखो। सत्यानाश, बोला ना कहीं तरी। अरे सुनू क्या कर दिया तुमने, मैंने कल ही इसको नई सिरोटेप चिपकाई थी, अभी वापस नहीं चिपकानी पड़ेगी। ओ, उससे अच्छा नया मोबाइल ले लीजिए ना। क्या जरूरत है माधवी, जब तक जो चीज चल रही है उसको चलाना चाहिए। अरे हमारे जमाने में आपके जमाने की गेम्स है इसमें सोनू। हाँ, इनको बोलकर कोई फायदा नहीं है। एक दिन म्यूजियम वाले आएंगे और एंटिक पीस समझकर लेके जाएंगे ना, तब इनको पता चलेगा। मैं एंटिक पीस? ओहो मोबाइल। सोनू मैंने गैस पे दूध रखा है, जरा जा तो देख। काम कर जरा। करते करते। हाँ तो क्या कह रही थी मैं? हे हे नहीं, हाँ नया मोबाइल। तो यही तो मैं कहती हूँ कि अच्छे कंपनी का मोबाइल लो ताकि 2-3 साल तक चले। क्या जरूरत है माधवी, ये सिर्फ 1000 का मोबाइल है और पिछले 1 साल से चल रहा है और 6 महीना चलेगा। माधवी मोबाइल का गणित तुमको मैं समझाता हूँ। क्या है कि 6000 का मोबाइल लो तो भी वो 2-3 साल चलता है और 1000 का मोबाइल लो तो भी वो 2-3 साल चलता है। तो 6000 का मोबाइल लेके 2 साल तक चलाने से अच्छा है 1-1000 के 6 मोबाइल ले लो। ये सब गणित आपको कौन सिखाता है? अनुराग। एक और मेरा एक दोस्त है। आपके दोस्त भी आपके जैसे ही है। मैं क्या कहती हूँ, अब जेठा भाई के पास से नया मोबाइल ले लीजिए ना। ये सेलो टेप से चिपकाया मोबाइल ऐसे लगता है जैसे सिक्के से भरी हुई प्लास्टिक की थैली लेकर घूम रहे हो। ले लीजिए ना। अगर मुझे नया मोबाइल लेना ही है तो मैं जेठालाल के पास क्यों जाऊं? अरे उसमें हमारा ही फायदा है। एक तो जेठा भाई अच्छा ही मोबाइल देंगे और ऊपर से मार्केट से कम भाव में मिलेगा। कहीं नहीं कहीं नहीं, पक्का व्यापारी मानुस है, तो पक्का बिजनेसमैन है, वो अपना फायदा जरूर देखेगा। तो आपको क्या फुकट में चाहिए? हम भी अचार पापड़ बेचते हैं तो हम भी हमारा फायदा देखते हैं ना। फिर भी माधवी, बिना दाल के पापड़ बन सकते हैं, बिना आम का अचार बन सकता है, दरअसल बिना फायदे का धंधा हो ही नहीं सकता। और फिर भी जेठा भाई अपने फायदे के लिए आपका नुकसान कभी नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको। बोलिए जाएंगे? ये जेठालाल मुझे नक्की महंगे से महंगे मोबाइल दिखाएगा और मुझे चाहिए सबसे सस्ता वाला मोबाइल। ये बात मैं माधवी को कैसे समझाऊं? सोचता हूँ। सोचते ही रहेंगे आप, मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। पिड़ू तुम माधवी भाभी की बात नहीं मानता, गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। अरे मुझे देख, मैं अपनी रोशन की हर बात मानता हूँ। बगा। अरे सोड़ी ऐसी बात नहीं है, क्या हुआ, अभी मेरा मोबाइल चल रहा है ना, फिर भी माधवी बोल रही है कि दूसरा मोबाइल ले लो। बरोबर है। अच्छा मेरे को एक बात बता, एग्जैक्टली इन तीनों में से कौन सा मोबाइल चल रहा है? सोड़ी ये 3 मोबाइल नहीं है, ये 1 ही मोबाइल है, गिर के टूट गया था। तो फेंक देना इसको। और तेरा तो मोबाइल पुराना है और मैं एक बार नई शर्ट लेके आया था और मैंने उसको पहन के दिखाया अपनी रोशन को, और रोशन को उसका कलर ही पसंद नहीं आया जी, और मैंने सीधे दराज से कैंची निकाली और अपनी नई शर्ट को काट डाला। रोशन बोली, अरे ये क्या किया, चलो इसका पोछा बना देते हैं। और मैंने कहा, मेरी रोशन, और जिस शर्ट का तेरे को कलर पसंद नहीं आया ना
उसका पोछा भी नहीं बन सकता। वाह बगीतला, पोछे जैसी चीज। थैंक यू माधवी भाभी। और सुन, एक बार हम लोग शादी के बाद जलंधर गए और मेरे हाथ में बड़ी प्यारी सी घड़ी, वो भी नहीं बंधी हुई थी, रोशन को पसंद नहीं आई और मैंने उसी समय उसको उतार के बाजू में बैठे वाले बंदे को पहना दी। अंजनांदी को घड़ी दे दी? भाई था मेरा। कुछ भी हो सोड़ी भाई, ये तो आपके जैसा सोच ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमेशा इनके जमाने में जीते हैं ना। करेक्ट है, पुराने जमाने का पिड़ू म्यूजियम वाला। और सुन पिड़ू, फिर एक बार हम लोग। ये भाई क्या एक बार करके बार बार सुना रहा है मुझे, और तू यहाँ पे क्या हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा लगाने आया है? की गाल कर रहा है? और नहीं नहीं नहीं, और मैं तो मेंटेनेंस का चेक देने आया था। ले फाड़ फाड़। ओ पकड़ यार, ये कह रहा हूँ। सोड़ी भाई बैठे ना, मैं आम लेकर आती हूँ। ओ माधवी भाभी जी, आज नहीं, आज जरा जल्दी में हूँ, नेक्स्ट टाइम। ओ काट कर ही रखे हैं, अब भी लेकर आती हूँ एक मिनट में। अरे बरसाने सुनो, कटे हुए आम रखे, जा जल्दी से लेके आ। हाँ। वाह क्या लजीज आम है यार, आनंद आ गया जी आनंद। वो कहाँ से बनवाए ऐसे बढ़िया आम? बनाए? अरे सोड़ी, ये रत्नागिरी के आम है, मेरे भाऊ का है ना, उनके बगीचे के आम है ये, हापुस। वाह एक में सेक्रेटरी साहब, फिर तो आपका फर्ज बनता है हमारे लिए रत्नागिरी से ये फेमस हापुस आम मंगवाने का। हाँ हाँ बिल्कुल मंगवाऊंगा तेरे लिए भी। वो तो मंगवाने ही पड़ेंगे। ओ यार तू तो जानते ही है, यहाँ के आम एकदम पपीते जैसे होते हैं। खरच से भाई, तू रत्नागिरी का है तो उसका कुछ तो फायदा उठाना पड़ेगा ना। हाँ भाई जरूर, चल चलता हूँ भाई। और सुन, और माधवी भाभी की बात मान लेना, माधवी भाभी की बात सोना आने सच है। और जब भी तेरे को मोबाइल पे कॉल करो, कभी लगता कभी लगता ही नहीं है। अब बदल देना ही अपना कंपस बॉक्स। होए पिडू क्या होए होए कर रहा है? और पत्नी से थोड़ा रोमांटिक राग, वेडिंग लाइफ एकदम खुशहाल हो जाएगी। चल मैं चलता हूँ। चला पिडू, अब मजा आ गया, आनंद आ गया यार। माधवी भाभी मंडल आभारी आए, थैंक यू। चल पिडू। सोड़ी भाई कुछ भी बोलते हैं। नहीं तो गए आप और रोमांटिक। नया मोबाइल लेना है, याद है ना? तुम्हारा रास्ता और हमारा रास्ता अलग है, हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। ओह इतने सुबह सुबह, अच्छा मैटनी शो? जेठा लाल मैटनी शो नहीं, मेरे रिसर्च सेंटर की शॉर्ट फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा इंग्लिश पिक्चर, कौन हीरो कौन है? जेठा लाल जेठा जी एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। अच्छा अच्छा कॉमेडी है? नहीं एक्चुअली रिसर्च फिल्म है। रिसर्च यानी संशोधन के लिए इनके डिपार्टमेंट ने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, वही देखने जा रहे हैं। अच्छा क्या विषय क्या है? ओ संशोधन का विषय क्या है, किसके ऊपर बनाई है पिक्चर? ओ धरती पे पानी कम हो रहा है ना, उस बारे में। ले बोलो। अरे गर्मी के सीजन में तो पानी कम ही होता है ना, उसमें संशोधन क्या करना का? अभिता मेले में शुरू हो जाएगी, चलो। हाँ स्टार्टिंग मिस हो जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा धरती पे पानी किसने कम कर दिया। टप्पू के पापा। हाँ क्या है? ढूंढ लिया मैंने। क्या? आम रस खाता हुआ आपका फोटो। ठीक है अरे क्या ठीक है जेठा लाल, कौन सा फोटो है बता ना जरा, एक मिनट बता ना। नहीं नहीं चाचा नहीं नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, बता बता कौन सा फोटो? अय्यर भाई एक बार टप्पू के पापा अमृत पी रहे थे ना, तो मेरे वीरा सुंदर ने चुपके से उनका फोटो खींच लिया। और ये अमृत से नए हो ना, ऐसे लग रहे हैं।
बोलो। अरे तो वो फोटो तो मेरे को भी देखनी है, बता बता ना दया भाभी। हाँ मम्मी दिखाना दिखाना फोटो दिखाना। चप्पल क्या? नहीं 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 छोटे बच्चे भी अमृत नहीं खाते। दिखा दिखा। नहीं नहीं नहीं, पहले बबीता को दिखाता हूँ फिर आप देखना। देखो बबीता। इट्स सो क्यूट जेठा जी। जेठालाल मैं तुमको एक फायदे की बात बताऊँ, यह फोटो 2011 का फनिस्ट फोटो कॉम्पिटिशन जीत सकता है। आप बोलो तो मैं भेज देता हूँ। बबीता जी एक। अरे जेठा जी चिल, इट्स ओके। यू नो ऐसी सब छोटी छोटी बातों से जिंदगी में मजा आता है। ये फोटो देख के आपको मजा आया जी? तो ये फोटो का पैसा वसूल। आप बोलो तो और 10-15 ऐसे खिंचवा लूं मैं। अरे नहीं नहीं चलो बबीता चलो लेट हो रहा है। ओके आई सी यू अराउंड। ओके ओके बाय 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 बाय। बाद में पिक्चर का स्टोरी बताना। तुम लोग क्या खड़ा हो, जाओ जाओ खेलो भाई खेलो। चलो चलो चलो। अक्कल है तेरे में, पूरी दुनिया को ये फोटो दिखाने की क्या जरूरत थी? सॉरी सॉरी जेठा भाई एक मिनट। हाँ अहो अहो आइकला था मिनिटा। क्या हुआ माधवी भाभी? नहीं नहीं इनको नया मोबाइल लेना है ना, इसलिए बुला रही हूँ। हाँ जेठा भाई नया मोबाइल। हाँ बोल बोल क्या बजट क्या और मॉडल कौन सा चाहिए? नहीं नहीं मैं खुद दुकान जाके सिलेक्ट कर लूंगा। हाँ तो मैं दुकान नहीं जा रहा हूँ, चल साथ में चलते हैं। हाँ जाना है जाना माधवी। नहीं नहीं तुम जाओ मैं बाद में आता हूँ ठीक है। हाँ और कुछ माधवी भाभी? नहीं नहीं एवढंच, थैंक यू। टप्पू के पापा। अब क्या है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये लीजिए आपका रिमोट। फिर से बिगड़ेगा तो नहीं? अरे नया है भाई। ठीक है आपको कितना देने का? अरे कुछ नहीं। ठीक है थैंक यू। अरे वेलकम नटू काका। भाई लागू नटू काका। अरे जीव तो रे दिख रहा, आओ बागा आओ। आज सवेरे सवेरे नटू काका यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। तो अच्छा किया ना बेटा, तू जब भी आता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आओ आओ। राम राम भाव। राम राम। राम राम। बट नो नीड ऑफ आम, हमको आम नहीं चाहिए। नहीं सेठ मैं आम बेचने नहीं आया हूँ, मैं तो मोबाइल लेने आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा मोबाइल चाहिए, आइए दिखाता हूँ। आइए आइए। ये है ये तो बहुत महंगे सेठ, 1200 का दिखाओ ना। हाँ हाँ है ना, तो बोलना चाहिए ना आपको। ये देखिए। हाँ ये अच्छा है। ये कितने का है? 1500। सेठ मेरे पास तो 1100 रुपया है, बाकी का पैसा बाद में दो तो चलेगा क्या? नहीं 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 भाई, हम लोग उधारी का धंधा बिल्कुल नहीं करते। तू तो आम बेचने के लिए इधर उधर घूमता रहेगा, हम तुझे कहाँ ढूंढेंगे? सेठ बाकी के पैसे के बदले में मेरे आम की पेटी ले लो। अच्छा मतलब आप आम बेचने आए हो? नहीं सेठ, आई सब पद खोटे बोलत ना, मैं आम बेचने नहीं आया, मोबाइल लेने आया हूँ मैं तो। वो क्या है अभी आम का सीजन आया ना, तो ऑर्डर बहुत आता है, तो मोबाइल का जरूरत पड़ता है ना, इसलिए मोबाइल लेने आया। देखो सेठ मेरे पास है 1100 रुपया और आम के पेटी के 600 रुपया, टोटल हो गए 1700। आपका मोबाइल है 1500 का, तो मोबाइल और 200 रुपया आप मेरे को देना और आम की पेटी और 1100 रुपया आप रख लेना। नहीं भाई नहीं, हमारे सेठ जी बाघ जैसे हैं, जस्ट लाइक टाइगर। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मैंने मोबाइल के पैसे के बदले में आम की पेटी ली है तो मुझे डांटेंगे। अच्छा सेठ 550 रुपया, अब मोबाइल और 150 रुपया देना खाली। नहीं 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 सेठ जी गुस्सा करेंगे।
सेठ जी 500 रुपया। नहीं भाई, एक काम करो, 400 रुपया से कम नहीं लूंगा सेठ। नट्टू काका, ये सौदा फायदे का है। नहीं नहीं बागा। क्या नहीं नहीं सेठ, एक बार आम टेस्ट करके तो देखो। अरे एकदम मीठे, अगर मीठे नहीं निकले ना तो लेना ही मत। अच्छा ठीक है चलो। बागा, आम तो मीठा है भाई, हमारे बागा को भी चखाओ। हाँ जरूर जरूर। अफलातून आम है, लेकिन भाई ये पेटी के आम भी ऐसे मीठे ही निकलेंगे ना। हाँ सेठ, ये पाटिल के आम है। अरे अंदर क्या बाहर क्या, एकदम मीठे निकलेंगे देखो। ये लीजिए आपका मोबाइल। हाँ ये सही है। आप भी याद करेंगे, कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का माल है ये। आपके 1100 रुपये। राम राम। सुनो, अभी हमारे सेठ जी आएंगे तो उनको चखने के लिए एक सैंपल तो दे दो। जरूर जरूर, क्यों नहीं, ये लो। राम राम। आइए नट्टू काका। ये क्या हो रहा है दुकान में? सेठ जी आम खा रहे हैं। आइए आइए, आप भी आम खाने बैठ जाइए। हाँ ये सेठ जी, आप ही के आम है। मेरे आम? क्या है सेठ जी, एक आम बेचने वाला मोबाइल खरीदने आया था, उसके पास 400 रुपये कम पड़ गए तो 600 की पेटी 400 में देके गया। ये क्या बात हुई नटू काका, कल को कोई झाड़ू बेचने वाला मोबाइल खरीदने आएगा, उसके पास पैसे कम होंगे तो 400 रुपये का झाड़ू रख लेंगे। क्या सेठ जी, आप भी अगर काम की चीज होगी तो ही नट्टू काका लेंगे ना। हाँ सेठ जी, ये आम की पेटी आप घर जाते समय घर लेके जाइएगा, और आपके लिए मैंने एक सैंपल लेके रखा है, आइए खाने बैठ जाइए ना। बागा सेठ जी के लिए काट। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं खानी आम, ये पेटी मैं घर पे ले जाऊंगा ना, तो शाम को बापू जी दया टप्पू सबके साथ मिलकर खाऊंगा। आप लोग खाओ, जरा जल्दी करो भाई, ये अच्छा नहीं लगता घर के सामने क्या बैठे छापा बापा पत्थर के। नटू काका, ये आम हम बाद में खाएंगे। अरे जेठालाल। अरे आओ आओ भिड़े आओ। ले मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा। हाँ। मेरे साथ आ गया होता तो रिक्शा का पैसा बच जाता ना भाई। नहीं मैं तो बस से आया, लेकिन तुम्हारे साथ ही आना चाहिए था। क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों है? ये बस वाले छुट्टे ही नहीं रखते, इसीलिए मैं हमेशा रिक्शा में आता हूँ। अरे भाई गोकुलधाम से यहाँ तक आने के लिए रिक्शा से 30 रुपये होते हैं। 5 रुपया कहते सेठ जी के घर से नाके तक चल के आने का, और वहाँ से सर रिक्शा में 5 रुपया, और अगर वहाँ से बस में आए तो 7 रुपया। अरे देवा, तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया, जाते वक्त ऐसे ही जाऊंगा। अरे जेठा वो मोबाइल। अरे पहले क्या चाय भाई क्या पियोगे? भिड़े भाई आइए आम खाने बैठ जाइए। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप खाइए। भिड़े चाय पिएगा नटू काका, चाय बोलिए। बागा जल्दी चाय बोल के जा। चाय? इतनी गर्मी में आप चाय पियोगे? भाई ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो, भिड़े चाय पीता है नहीं? दिन में चाय और रात को सोडा। चाय मंजे अमृत तुल्य है भाई, चाय बोल। चाय भी बोल के आओ, मैं मोबाइल दिखाता हूँ, आओ इधर। ये ले, ये सबसे बेस्ट पीस है, लेटेस्ट।
क्या भाव है इसका? 8,000। ओहो 8,000, इससे कोई सस्ता वाला है? इससे सस्ता वाला फिर ये ले ले, टच स्क्रीन। और अभी तो क्या सब टच स्क्रीन वाला बहुत वापरते है, टच करो फंक्शन ओपन। बढ़िया रख ले। क्या टच करने का भाव क्या है? 6,000। अरे बापरे 6,000, इससे माजा खिशरा टास लागेल। नहीं नहीं मतलब महंगा है, इससे कोई सस्ता वाला नहीं है? तो मुझे बता तेरा बजट कितना है? देखो मेरा बजट है 2,000 से लेके 1,500 तक। अच्छा तो ठीक है, तो उसमें ये दो ही पीस है उसमें, जो पसंद है ले ले। अच्छा इसमें ये सब है ना, मतलब कैमरा, ब्लूटूथ, म्यूजिक सिस्टम, गेम्स, इंटरनेट वगैरह सब है ना? क्या भीड़ है, 1,500-2,000 का पीस में सब थोड़ी आता है। अरे ऐसे कैसे, मेरे पहले वाले मोबाइल में सब था। ये देखो एक मिनट हो गया, ये देखो इसमें था सब। अरे ये चालू कंपनी का माल है भाई, इसमें सब आता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक चलता नहीं है मोबाइल। क्या बात करो जेठालाल, ये तो 1 साल चला था। मतलब ये नसीब पे चलते हैं सब पीस, चला तो चला नहीं तो फिर राम राम। अगर ऐसा ही मोबाइल चाहिए तो एक मेरे पास पीस पड़ा है सर, पर ये क्या है ज्यादा चलते नहीं है, ये सब मोबाइल की कोई गारंटी नहीं होती है। इससे अच्छा मेरी बात मान भिड़े, ये 6,000 वाला है ना टच स्क्रीन वो ले ले, 1 साल की गारंटी, और ऊपर से 3 साल कुछ नहीं होगा वो गारंटी मैं देता हूँ। जेठालाल मोबाइल के मामले में मेरा एक सिंपल गणित है, 6,000 वाला महंगा मोबाइल लिया तो वो 3 साल चलता है, और 1,500 वाला मोबाइल लिया तो वो 1 ही साल चलता है, तो वो 3 साल में 1,500 वाले में 3-3 मोबाइल वापर सकता होगी नहीं? भाई तुम्हारा ये शिक्षक वाला गणित मेरी समझ के बाहर है। तुम एक काम करो, तुम मुझे ये मोबाइल दे दो। ये चालू कंपनी का माल है भिड़े, ये रहने दे ये ले ले। वही बात नहीं जेठा, तुम इसे चालू करके दिखा दो। ठीक है भाई जैसे तेरी मर्जी। नसीब महंगा मोबाइल लेने से बच गया। अरे नटू काका। जी सेठ जी। ये इसमें सिम कार्ड डाल के भिड़े भाई को जरा दिखा दो सब। जी बराबर चल रहा है कि नहीं? हाँ बोल दी चाय। नहीं सेठ जी मैंगो मिल्क शेक बोल दिया। क्यों? उस चाय वाले के पास दूध खत्म हो गया था, और सेठ जी उस चाय वाले ने उसी लारी पर साइड में मैंगो मिल्क शेक का भी शुरू किया है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैंगो मिल्क शेक लेके आ। अरे लेकिन मैंगो मिल्क शेक में भी दूध तो पड़ता ही है ना, वो दूध से चाय नहीं बना सकता वो। मैंने भी उससे वही कहा सेठ जी। हाँ तो? तो उसने मुझसे कहा नहीं, मैंगो मिल्क शेक के लिए रखे गए दूध से सिर्फ मैंगो मिल्क शेक ही बन सकता है, चाय नहीं। ये लीजिए भीड़ साहब बात कीजिए। कौन है? नटू काका है, वो चेक कर रहा है ना फोन चल रहा है कि नहीं। सॉरी। हाँ बोलिए नटू काका। हेलो 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग। हेलो 1 2 3 4 5 माइक टेस्टिंग। एक मिनट नटू काका, अभी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी आवाज यहाँ से आ रही है कि मोबाइल से आ रही है, मैं वहां जाके चेक करता हूँ, एक मिनट। दूर जाइए दूर। हाँ बोलिए नटू काका। हेलो 1 2 3 4 5 माइक टेस्टिंग। हेलो 1 2 3 4 5 माइक टेस्टिंग। हाँ बस बस माइक बराबर है, मोबाइल बराबर है। कट करो कट करो। हाँ ये परफेक्ट पीस है। क्या भाव बोला इसका? ये 1600। 1600 तो इसका कुछ मिलेगा भाई, डिस्काउंट मिलेगा, 100 रुपया कम देना बस, 1500 दे दे। 1500 फिर इसका कितना आएगा देखो? हाँ इसे आप फेंक दीजिए, इसे तो कोई भंगार वाला भी नहीं खरीदेगा। क्या बात कर रहे हो? नहीं अगर विश्वास नहीं है तो और कोई दुकान में पूछ सकते हैं तू। नहीं नहीं विश्वास की बात नहीं है। क्या है भिड़े, अच्छी कंपनी का मोबाइल हो ना तो एक्सचेंज में 500-1,000 तक मिल जाता है, लेकिन इसका सच में कुछ नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, इसका 1500 ना। 1500 बाद में देना चलेगा। अरे नहीं नहीं है, 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 है। नहीं, नहीं है ना बिल्कुल है। अच्छा। ये लीजिए नटू काका। तो चलू मैं? एक मिनट आपका MMS आ रहा है सेठ जी। MMS मैंगो मिल्क शेक। हाँ भाई वो बोला है तो पी के जा अभी। कोई बात नहीं इसे ऊपर जरा पैक। अरे हाँ हाँ इसका सर नटू काका ये बॉक्स में डाल के बराबर पैक करके दे दो। अबूस काम ले लो, अबूस काम ले लो। ओ अम्बाले चाचा फ्री में दे रहे हो? नहीं नहीं भाई आम ले लो आम। अरे भाई साहब हम सब
हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको को बुला रहा। अच्छा भाई, ये आप कैसे दिए? 500 रुपए। अरे वाह, सिर्फ 500? ये काम करते हैं, ये सारे आप होम ले लेते हैं, सब लोग अंदर अंदर बांट लेंगे, 80-80 रुपए सबके हिस्से में आएंगे। लाइए पूरी टोकरी दे दो। बहन जी, एक डजन का 500 बोला है, पूरे टोकरी का नहीं। क्या मजाक कर रहे हैं आप? तो शुरुआत किसने की? एक डजन का 500 रुपया देखा है कहीं भाई? हाँ बहन जी, इस बार आम बहुत ही महंगा है। हाँ भैया, हर साल आप लोग यही बोलते हैं। अरे आजकल तो दाम काफी कम हो गए हैं। बहन जी, आम बहुत मीठा है, रत्नागिरी का हापुस है। रत्नागिरी? देखिए भैया, जहाँ का भी आम हो, पर हमारा कहने का मतलब है बहुत महंगा है ये आम। तो फिर ये लीजिए, 350 रुपए डजन। ये सब तो पाउडर में पकाया लगता है। अरे नहीं बहन जी, हम पाउडर के पके हुए आम का धंधा नहीं करते। क्या नहीं करते? घोटाले। ये देखो, सफेद सफेद सब हाथ में लग रहा है। अरे मैं सब जानती हूँ आम के बारे में। रत्नागिरी में हमारे आम के बगीचे हैं, बगीचे। ये तो नींबू की साइज के आम है। माधवी, नया मोबाइल लिया आपने? देखो, चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जा, जा, एक गोया जा। बाद में ये देखो। दिखा 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 अरे वाह, आम खरीदे जा रहे। देखो ना, एक डजन के लिए 500 रुपए बोल रहा है। इतने छोटे आम है, और ये आम 500 रुपए डजन है? टांगते जी, इतने छोटे आम। अरे हमारे रत्नागिरी के आम कैसे होते हैं? बड़ा फल होता है, बड़ा फल। एक हाथ में भी नहीं आता। हाँ? अरे वाह भिड़े भाई, तो इस बार आप रत्नागिरी से आम मंगाइए ना। हाँ भिड़े भाई, कुछ कीजिए ना, ये पाउडर के आम खाने से तो बच जाएंगे। और नहीं तो क्या, ये पाउडर में पके हुए आम खा के गले में खराश, स्किन प्रॉब्लम्स, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ होती है। बरोबर है। भिड़े भाई, आप रत्नागिरी के ही आम मंगाओ। सूरी भी कह रहा था सुबह। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। अच्छा माधवी, झालक ही है। हाँ। और ये खरीदना मत। नहीं भिड़े बहन, आप भिड़े भाई को रत्नागिरी के आम लाने का याद करवाना। बगीचे के ताजा आम खाएंगे, मजा ही जाएगा। अरे हाँ माधवी भाभी, इस बार अच्छे आम खिलाने की जिम्मेदारी भिड़े फैमिली की। नक्की नक्की। अरे माधवी भाभी, सिर्फ नक्की नक्की बोल के नहीं चलेगा, एग्जैक्ट डेट बताओ। उस दिन मैं इसे कहूंगी, कल से मत आना। भिड़े बहन, आप रत्नागिरी के बड़े हापुस मंगवाना, टप्पू के पापा छोटे आप देखते हैं ना तो गुस्सा करते हैं। हाँ हाँ, मैं उनसे कहूंगी, आप रत्नागिरी जाओ, पेड़ पर चढ़कर बड़े आम निकालो जेठा भाई के लिए। अरे मजाक कर रही हूँ दया भाभी। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हमारे घर में सबको आम बहुत पसंद है, और उसमें भी रत्नागिरी के बड़े बड़े हापुस मिले तो लीला ले। अरे नटो काका। जी सेठ जी। एक मिनट यहाँ आइए। जी जी जी। ये पीस बराबर नहीं है, कस्टमर का कंप्लेन आएगा, कंपनी को बोलो दूसरा पीस दे। ये दरवाजा बराबर बंद नहीं हो रहा है, देखो एक ही बार में ऐसे बंद। बंद होना चाहिए, हो गया। नहीं हुआ, कंप्लेन कर दूंगा। सेठ जी, मैं कब से एक बात पूछने की सोच रहा हूँ। पूछू? हाँ पूछो। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अपना नाम लिखवा दूँ? वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके लिए? अच्छा, बरसों से पद्मावती भोजनालय में खाना खा रहा है उसके लिए? अरे नहीं सेठ जी, बरसों से बिना पगार बढ़े आपके यहाँ काम कर रहा हूँ उसके लिए। कहीं कोई नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप काम कीजिए। हेलो, बोल बोल कैसा हूँ। अच्छा तो मैं अभी आधे घंटे वहां पहुंचता हूँ। आई विल बी देयर विद इन हाफ एन आवर।
ओके 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 सेठ जी, आज मैं थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ? क्यों? हमारे दोस्तों का ग्रुप आज लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है। हाँ सेठ जी, हमारा एक बहुत पुराना दोस्त ऑल्विन फर्नांडिस मोजम्बिक से आया है, तो हम उसे घुमाने नरीमाइन पॉइंट, गेटवे ऑफ इंडिया, डिस्को टेक ले जाएंगे। नटो काका, ये उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। सेठ जी, उम्र दिमाग में होती है। दिमाग से आप सोचेंगे कि मेरी उम्र हो गई, मैं बूढ़ा हो चुका, तो आप हमेशा बूढ़े ही रहेंगे। और आप दिमाग से सोचेंगे कि मैं जवान हूँ, तो हमेशा जवान ही रहेंगे। So with your kind permission, shall I go there? ठीक है नटो काका, जी लो अपनी जिंदगी। थैंक यू वेरी मच सर। अरे हाँ सेठ जी, घर जाते समय आम की पेटी लेते जाइएगा, भूलिएगा नहीं। अरे हाँ, अच्छा याद दिला, मैं दया को भी फोन करके बोल देता हूँ, खुश हो जाएगी। हेलो। हाँ दया। टप्पू के पापा, आपने फोन किया? जय नसीब। अरे जा नसीब नहीं, जय नसीब। हाँ वही, वो थोड़ा कानो मात्र का फर्क हो गया। सेठ जी, जहे नसीब। एक मिनट दे, ओ नूर मोहम्मद भाई, आप जाओ लखनऊ जाओ ना भाई। शुक्रिया जनाब। हाँ दया। आपने किसके लिए फोन किया बोलिए ना। अरे भाई एक खुशखबरी है। क्या 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 है खुशखबरी? आज घर आते आते मैं फर्स्ट क्लास A1 आम लेके आ रहा हूँ। अरे वाह, तो मजा आ जाएगा। आप जल्दी से दुकान बंद करके आ जाइए। हाँ मैं अभी बस निकलता हूँ। हाँ ओके। टप्पू बेटा, हम बेटा आज तुम्हारे पापा आम लेकर आने वाले हैं। यस, अब मैं अमृत पीऊंगा। ये और तुम्हें वो आम की लस्सी भी पसंद है ना, वो भी बनाऊंगी। थैंक यू मम्मी। लेकिन मम्मी पापा कब आएंगे? बस अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। अरे देवा, अरे नए मोबाइल्स के फीचर्स ही नहीं देखे मैंने। बाबा फोन लीजिए ना, मैं इसमें कंप्यूटर से गेम डाउनलोड कर देती हूँ। सोनू, वो सब बाद में। आओ आप जरा रत्नागिरी भाऊ काका को फोन लगाइए ना। रत्नागिरी भाऊ काका को फोन? क्या हुआ उनको? उनको कुछ नहीं हुआ है, आम के लिए फोन कीजिए आज। हाँ। और आज देखा ना आपने, यहाँ कहीं अच्छे आम नहीं मिल रहे। और सोसाइटी वाले भी नहीं कहा, कह रहे थे कि रत्नागिरी से आम मंगाओ करके। अरे रत्नागिरी के आम होते ही टेस्टी है। हाँ, वो क्या है? ए मुंबईत कुठे जायचं माहिती आहे ना रे? हा नीट दे, चला ठेवा लवकर लवकर। बोला आत्माराम पंत। हॅलो, अरे गाढवा बोल ना। कट झाला। देख क्या रहे हो, फोन लगाइए। लगाया था माधवी, कट हो गया। अरे स्विच ऑफ हो गया। काय शिंचाचा फोन आहे, स्विच ऑफ। गांव से शहरों में फोन लग जाते हैं, लेकिन शहरों से गांव में नहीं लगते। क्या होगा इन शहरों का? चलो रे, हाथ हलवा लो, करो कर। फिर से लगा के देखिए ना। हाँ लगा रहा हूँ माधी, ऑन तो हो जाने दो। तो ऑन कीजिए ना, ऑन का बटन है यहाँ, देखो। वही कर रहा हूँ माधी, हो नहीं रहा है ऑन। ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, नया फोन है। आपने नया फोन ही लिया है ना? बाबा मुझे फोन दीजिए, मैं देखती हूँ। तुम्हारे देखने से फोन चालू हो जाएगा? चालू हो सकता है। झाला चालू? नहीं। देख इकड़े, बस इकड़े। मम्मी आज आमरस खाने का बहुत मजा आएगा। I love mango। टप्पू बेटा, सिर्फ तू ही नहीं, पूरा गड़ा परिवार लव मैंगो। I am भी लव मैंगो। लेकिन मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए? लो पापा आ गए। अब 100 साल जिएंगे। टप्पू अभी आपको याद कर रहा था। ओ, मैंगो कहाँ है? हाँ कौन? आम कहाँ है?
वो आम। क्या हुआ आपको? टप्पू कब से अमरस खाने के लिए आपका इंतजार कर रहा है? हाँ? कहाँ है आम? आम कहाँ है? ओ आम सारे रास्ते में गिर गए। क्या? सारे आम रास्ते में गिर गए? कैसे पापा? नहीं 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 टप्पू बेटा, तुम्हारे पापा मजाक कर रहे हैं। उन्होंने आम दरवाजे के पीछे छुपा कर रखे है ना? मैं अभी लेकर आती हूँ। मुझे सब पता है। अरे यहाँ बाहर तो आम नहीं है। अरे बोला ना दया, सच में आम रास्ते में गिर गए। रास्ते में कैसे गिर गए? वो क्या हुआ? अरे ओ भाई, ओ भाई क्या हो गया? रिक्शा को रोक दिया? साहब सॉरी, लेकिन रिक्शा यहाँ से आगे नहीं जा सकता। क्यों? साहब समझो गड़बड़ है। क्या गड़बड़? क्या मेरे पास सामान है भाई, वो उठा के मैं लेके जाऊँ अभी? अरे साहब समझो, रिक्शा यहाँ से आगे नहीं जा सकता। वो बिठाने का पहले बोलने का, अभी बोल के फायदा नहीं है कुछ। अरे तबियत अभी बिगड़ी, पहले कैसे बताता? क्या गड़बड़ है तबियत में? फर्स्ट क्लास तो है। पेट में गड़बड़ है, अभी मुझे जाने दो वरना आपके घर पे आना पड़ेगा। नहीं नहीं ठीक है, समझ गया समझ गया। कितना हुआ? जो देना है दे दो। वैसे तो 30 रुपया होता है। अरे जाने दो भाई, नहीं चाहिए। अरे भाई जाने दो, क्या ऐसा फुकट में मुझे नहीं चाहिए। एक मिनट ये लो, मैं 20 देता हूँ, क्योंकि इधर नाके पे छोड़ा ना तुमने, इसके लिए। रास्ते में आड़ा तेड़ा खाते हैं, फिर रास्ते में ही क्या होगा हिंदुस्तान का। देखिए आवाज कहाँ से आ रही है, तो कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा तो और भी घबराहट हो रही है। तो वो बेचारे भूखे लोग सारे आम ले गए। बात तो बहुत अच्छी बनाई है। वो बेचारे भूखे लोग आम ले गए कि आप बेचारे को दुकान में बैठे बैठे भूख लगी और आप ही सारे आम खा गए। क्या पापा, आप सारे आम खा गए? अरे नहीं बेटा, मैंने कोई आम नहीं खाए। नहीं नहीं नहीं, बापू जी कहते हैं कि आपको आम इतने पसंद है ना कि एक दो दर्जन आम तो आप ऐसे अंगूर की तरह खा जाते। अरे मैं सच कह रहा हूँ दया, तेरी कसम। पापा सच्ची हुआ झूठी? मम्मी की कसम कोई खाए तो टप्पू को नहीं पसंद। टप्पू मेरा बेटा। ए भाई तू हमेशा मम्मी की फिक्र करता है, कभी पापा की फिक्र भी किया कर। ये जेठालाल के पास से फोन लेना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारे कहने पर मैं उसके पास गया था। वो जेठा भाई खुद थोड़े फोन बनाते हैं, मोबाइल का गुस्सा उन पे क्यों निकाल रहे हैं? काहे तेरे सपना जेठालाल के पास जाके बात करनी होगी। अरे बात क्या करता हूँ, ये मोबाइल वापस दे के आता हूँ। अभी कहा, सुबह चाहिए। सुबह? सुबह क्या मुहूर्त है? अभी के अभी जाके बात करूंगा मैं उससे। अरे पैसे लेकर चीटिंग करता है, डिफेक्टिव पीस देता है। ऐसे चीटिंग, डिफेक्टिव पीस, ऐसे शब्द इस्तेमाल मत करना। शांति से बात करना, मामूली मोबाइल के लिए रिश्तों में तनाव नहीं आना चाहिए, हो कि नहीं? तुमने सही कहा माधवी, मोबाइल वाकई मामूली है। मुझे जेठालाल से झगड़ा करने का कोई शौक नहीं, लेकिन मैं बात करके आऊंगा उससे। देवा अब क्या होगा जेठा भाई के घर? क्या पापा, टप्पू का कितना मन था अमरस खाने का। अरे बेटा ये दुनिया के आखिरी आम थोड़ी थे। एक काम करेंगे हम दोनों बाप बेटे, ये संडे को वासी मार्केट जाएंगे और वहां से होलसेल में आम लेकर आएंगे। वासी मार्केट? अरे बासी नहीं, वासी, वासी नवी मुंबई, ये चेंबूर से आगे और पनवेल से पहले है ना। उधर वासी में आम की होलसेल मार्केट है, तो उधर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैं भी साथ में आऊंगी, मजा आएगा। मम्मी बहुत भूख लगी है,
अभी बिना अमरस के तो बिना अमरस के खाना तो दो। हाँ बेटा मैं देती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए तब तक मैं खाना लेकर आऊंगा। हाँ ठीक है। अरे जेठालाल। ओहो भिड़े आओ आओ। क्या आओ भिड़े, ये क्या है? मोबाइल। जेठालाल मजाक मत करो ये। अरे भिड़े भाई नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप सही टाइम पर आए हैं, आइए खाना खाने बैठ जाइए। नहीं नहीं थैंक यू, मेरा खाना हो चुका है। क्या खाया? आमरस? नहीं। तो अब आए खाल। हाँ रोटी। सिर्फ रोटी? अरे नहीं नहीं सिर्फ रोटी नहीं जेठालाल, तो रोटी को जाने दो ना, मैं जो बोलने हूँ मुझे बोलने दो। सॉरी बोलो बोलो बोलो। हाँ अरे ये कैसा मोबाइल दिया तुमने मुझे? कैसा मोबाइल मतलब? अरे ये बिगड़ा हुआ है, पूरा दिन चार्ज करने के बाद भी बोलता है बैटरी लो। मोबाइल ऐसा बोलता है? नहीं बैटरी लो। जेठालाल मजाक मत करो, तुम इस मोबाइल के बदले मुझे दूसरा मोबाइल दे दो, मुझे ये मोबाइल नहीं चलेगा। नहीं इसके बदले में दूसरा मोबाइल नहीं मिल सकता भाई। नहीं मिल सकता मतलब? अरे जेठालाल ये डिफेक्टिव पीस है, ये कभी भी बंद हो जाता है, स्क्रीन आधी दिखती है। अरे क्या है ये सब, क्या बेशिस्त पड़ा है? सगड़ा समझौते जरा शांतता ठेवा, बसा जरा बसा बसा या। भाई भिड़े तू ये मोबाइल लेना दुकान पे आया तभी मैंने तुझे बोला था कि ये मोबाइल का कोई गारंटी नहीं है। हाँ बोला था जेठालाल लेकिन ये एक दिन भी नहीं चला है। टप्पू के पापा वो भिड़े भाई को अच्छा गारंटी वाला फोन देना चाहिए था ना। अरे भाई मैंने इसको एक से एक बढ़िया गारंटी वारंटी वाले मोबाइल दिखा है लेकिन इसको दूसरे देश का चालू कंपनी का सस्ता वाला मोबाइल चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? भिड़े अंकल आपको ये फोन लेना ही नहीं चाहिए था। है? मेरे फ्रेंड के पापा ने ऐसे ही 5 सस्ते फोन लिए थे और वो 5 फोन 5 ही दिन में खराब हो गए और अभी उन्होंने 5 फोन का पेपर वेट बना के ऑफिस में रख दिया। पेपर वेट? वो पेपर पे बाहर रखते ना वो। ओह बोला। ए अच्छा आइडिया क्या तेरे दोस्त के पापा ने टप्पू। ए भिड़े तू भी इसका पेपर वेट बना ले, तेरे पास भी विद्यार्थियों के वो पेपर तो आते ही है। हाँ जेठालाल मजाक मत करो, देखो इस मोबाइल के लिए मैंने 1500 रुपए नगद भरे, फ्री में तो नहीं लिया ना मैंने। और तुम एक कस्टमर से ऐसे बात नहीं कर सकते। एक मिनट भाई, अगर तू कस्टमर बन के आया है तो सबसे पहली बात मैं कस्टमर को घर पे मिलता ही नहीं, जो भी है दुकान पे आके मिलने का। लेकिन एक मिनट, दुकान पे आके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऐसे बिना वारंटी के मोबाइल के कंप्लेन हम लोग लेते ही नहीं है। हाथ जोड़ के कस्टमर को शांति से बोल देते हैं भाई साहब ये मोबाइल का अभी कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता मतलब? ये सरासर चीटिंग है जेठालाल। चीटिंग क्या भाई, इसमें चीटिंग क्या? टप्पू के पापा जरा धीरे धीरे शांति से बात कीजिए। अरे भाई शांति है, तू शांति रखना। भाई भिड़े इसमें चीटिंग क्या हा? तू दुकान पे मोबाइल खरीदने आया तभी तूने सब कुछ बराबर चेक किया था, यह मोबाइल बराबर था, सब चल रहा था, इसी मोबाइल से तूने नटू काका के साथ बात भी की थी बराबर? हाँ मैंने बात की थी तभी ये चल रहा था लेकिन अभी ये नहीं चल रहा है ना जेठालाल। दुकान के बाहर कदम रखते ही हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है भाई। अरे यहाँ का अर्थ है जेठालाल, अगर ये एक महीना एक हफ्ता भी चला होता ना तो मैं मानता था लेकिन ये एक दिन भी नहीं चला है ना। अरे भाई ऐसे मोबाइल का ऐसा ही होता है, चला तो चला नहीं तो टॉक टाइम के पहले ये मोबाइल खत्म हो जाता है, एक दिन की भी गारंटी नहीं होती है ऐसे मोबाइल की भाई। टप्पू के पापा आपको दुकान में ऐसे बिना गारंटी वाले मोबाइल रखने ही नहीं चाहिए। दया हम धंधा लेके बैठे हैं, दुकान में 1000 का मोबाइल से लेकर 45000 का मोबाइल खरीदने वाले ग्राहक आते हैं तो मुझे तो सबके पसंद के मोबाइल रखने पड़ते हैं। जेठालाल तो अभी इस मोबाइल का कुछ नहीं हो सकता। अभी इसका कुछ नहीं हो सकता भिड़े। टप्पू के पापा मैं क्या कहती हूँ जाने दीजिए ना, भिड़े भाई हमारा पड़ोसी है और नया खरीदा हुआ मोबाइल एक ही दिन में बिगड़ जाए वो किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ बरोबर है। तो मैं क्या कहती हूँ कि ये फोन आप रिपेयर करा दीजिए।
और भिड़े भाई को अच्छा वाला नया मोबाइल दीजिए ना। भिड़े भाई अब गारंटी वाला मोबाइल ही लेना। दया भाभी अब तो मैं गारंटी वाला ही मोबाइल लूंगा। जेठालाल मैं कल दुकान आता हूँ। नहीं भाई दुकान पे आने की जरूरत नहीं है। का? एक आध पीस घर पे पड़ा रहता है तो मैं यही दे देता हूँ। अरे दया वो कबाट में काले रंग का बॉक्स है वही ना? हाँ वही वही। ले क्या? बैठ 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 बैठ। भूख लगी है। पहले ही मेरी बात मान ली होती तो भाई। वो कहते हैं ना जेठालाल के पेनी वाइज पाउंड फुलिश। है? लंदन में कहावत है। ओ रणद भाई। टप्पू के पापा यही ना? हाँ ला। ये देख भाई। ये पट्टी पैक पीस है। तेरे सामने खोलता हूँ ये देख। ये इसमें इसका वारंटी गारंटी सब है। ये आपका मोबाइल और ये इसका वो कोड और सब हेडफोन बेडफोन प्लग वो सब। हाँ सब इसमें देख ले बराबर चेक कर ले भाई और पसंद है तो ही लेना भाई वरना बोलेगा कि जेठालाल ने जबरदस्ती मुझे पधरा दिया फोन। नहीं नहीं जेठालाल मुझे पसंद है। इनफैक्ट ऐसा सेम पीस मैंने कुछ दिन पहले अय्यर के पास देखा था। इसका क्या भाव बताया तुमने? ये 5400। 5400। कुछ भाव में फर्क हो सकता है? चल ठीक है तू है तो भाव में फर्क कर देता हूँ। हाँ 5800 देना चल ना। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई तू मजाक कर। 5400 है ना 5200 देना चल ना। अच्छा मतलब 5200 में से इसके 1500 रुपए माइनस करो तो 5200 माइनस 1500 3700। एक मिनट जेठालाल 3700 तो मैं वो पैसे तुम्हें सोडा शॉप पे दे दूंगा। अरे भाई कोई जल्दी नहीं आराम से देना ना जब भी मर्जी हो तभी देना। भिड़े अंकल फंक्शन समझाओ। अरे नहीं नहीं भाई मैं घर जाके समझ लूंगा कोई बात नहीं। अरे ये तो मेरे पास ही रह गया ये लो। अरे रख भाई इसका कुछ नहीं आएगा रख रख। अरे वाह थैंक यू चलो मैं चलता। अरे दया भाभी थैंक यू वेरी मच। मैं घर पे आया इसलिए मुझे दूसरा मोबाइल मिला। अगर मैं दुकान में जाता तो दूसरा मोबाइल मिलता नहीं है क्या? कुछ नहीं। भिड़े भाई आप खाने बैठ जाइए। नहीं नहीं मैंने बोला ना मैं खाकर आया हूँ। मैं तुमसे वो दे सावकाश। मम्मी अभी तो खाना दो। हाँ हाँ बेटा आप। हाँ मैं हाथ पैर धो लेता हूँ। चल भाई जल्दी बेचारों का खाना दे भाई खाना दे चल। हाँ, हाँ। मम्मी जल्दी आ। ये अभी तक क्यों नहीं आए? जेठा भाई के घर जाके आऊँ क्या? नको बाबा आ गए। काय हो काय झालं झगड़ा तो नहीं किया ना आपने? नहीं झगड़ा नहीं हुआ माधवी लेकिन वो जेठालाल एक ही सुर में गा रहा था। इसकी वारंटी नहीं है इसकी गारंटी नहीं है मान ही नहीं रहा था। वो तो दयाबाई ने उसको समझाया तब जाके माना और नया मोबाइल दे दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे कहने पर मैं जेठालाल के पास गया था इसीलिए मोबाइल एक्सचेंज में मिला। किसी दूसरी जगह से बिना गारंटी वाला लेते ना तो ठंड ठंड गोपाल। बाबा ये फोन कितने का है? ये 5200। लेकिन नेट पे मैंने देखा था ये मॉडल की MRP ज्यादा लिखी है। हाँ वो कंपनी वाले नेट पे ना हमेशा ज्यादा ही भाव लिखते हैं। खरा खरा बोलिए ना जेठा भाई ने डिस्काउंट दिया है। अभी ये बंद करो ना मोबाइल। अरे नया मोबाइल लिया है उसको चालू करना होता है बंद। अरे ये मोबाइल प्रकरण बंद करो। कर लो। मैं जरा सोडा शॉप पे जाके आता हूँ जेठालाल को मोबाइल के पैसे देने। हाँ। और सुनो तब तक मोबाइल चार्ज करके रखना। हाँ दिखा। अब्दुल प्रा तू अपनी ये सोडा की दुकान बंद कर दे। क्यों? अरे सोडे तुम अब्दुल की दुकान क्यों बंद करवाना चाहते हो? हाँ यार सोडे तुम अब्दुल के पेट पे क्यों लात मारने पे तुले हो? माल है मेहता साहब मैंने अब्दुल को हाथ में ही लगाया आप लात की बात कर रहे हो? थोड़ी पेट पे लात मारना एक मुहावरा होता है मतलब कि... पता है मेहता साहब मैं मजाक कर रहा हूँ। आजा भी पिड़ू आजा।
नमस्कार मंडली। छोटी एक बात तो बता, तुझे अब्दुल की दुकान से प्रॉब्लम क्या है भाई? मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो फिर ओए अब्दुल प्रागा सोडा सबसे बेस्ट सोडा है। अगर अब्दुल प्रा अपनी दुकान ये बंद कर देगा तो अब्दुल प्रा अपनी खुद की सोडा कंपनी खोलेगा। अब्दुल सोडा कंपनी बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा अपना अब्दुल प्रा। बात तो सही है। थैंक यू सोडी भाई, थैंक यू। लेकिन सपने में और हकीकत में बहुत फर्क होता है। मालिक की दीवी इस छोटी सी दुकान से मैं बहुत खुश। ओए अब्दुल प्रा, ओए सपने देखेगा तो ही तो हकीकत बनेंगे ऊपर वाले की रहमत से। ये भी बात सही है। पढ़ो, और नया मोबाइल लेने वाला था, की होया? हाँ ले लिया मैंने, जेठालाल से। जेठालाल से? कौन सा मॉडल और कितने का? 5200। 5200? क्यों आत्माराम, तुम तो वो सस्ता वाला लेने वाले थे ना, 1500-2000 का। हाँ सस्ता वाला लिया था मैंने जेठालाल से, लेकिन वो एक दिन में ही खराब हो गया। हाँ क्योंकि जेठालाल ने तुमको डुप्लीकेट मोबाइल दिया होगा। या टाइपिस्ट, साइंटिस्ट। चुप रहो, तुमको कुछ मालूम भी है? बात क्या है, मामला क्या है, बिना सोचे समझे बस बीच में टपक पड़ते हो। डुप्लीकेट मोबाइल दे दिया होगा। नता साहब ये भीड़े दुकान पे आया था, बोल रहा था सस्ता मोबाइल दो 1500-2000 वाला। मैंने बोला भाई वो सब चालू कंपनी का माल आता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन जेठालाल अगर कोई बिना गारंटी वारंटी वाली चीज ले तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चीज एकदम फालतू हो। एक मिनट भाई, फालतू निकले का क्या मतलब है? तू क्या कहना क्या चाहता है? ये सब मोबाइल मैं अपने घर पे बनाता हूँ। एक तो वो मोबाइल के बदले में मैंने तुझको दूसरा मोबाइल बदल के दिया, फिर भी ऐसी बात कर रहा है तू? हाँ जेठालाल, तुमने खुद होकर नया मोबाइल मुझे नहीं दिया है, वो तो दया भाभी ने तुम्हें कहा, इसलिए तुमने मुझे नया मोबाइल दिया। देखो मेहता सर, एक तो मैंने इसकी मदद की, इसको नुकसान से बचाया, तो भी मुझे ही सुना रहा है। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक मिनट जेठालाल, तुमने कोई भलाई नहीं किया मुझ पर? हाँ और मैंने फ्री में नहीं लिया मोबाइल, उसके पैसे साथ में लाया हूँ, ये पूरे 3700 रुपए गिन के रखो। 3700? हाँ। एक मिनट भाई, मैं तुझे हिसाब समझाता हूँ। वो दूसरा मोबाइल जो मैंने तुमको दिया उसकी कीमत क्या थी? 5200। 5400। 5400, तो 200 रुपया मैंने उसको पहले डिस्काउंट दे दिया, तो 5200। और अभी ये मुझे कितना दे रहा है भाई? 3700। मतलब 5200 में से 3700 आप निकालो तो 1500 होते, मतलब इसने 1500 कट के दिए। ये 1500 कौन से? वो मोबाइल जो उसका बिगड़ गया था उसके, मतलब वो 1500 भी मेरी जब से ही गए ना। हाँ तो बराबर ही है, वो 1500 मैं काटूंगा ही ना। क्यों 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 काटूंगा भाई? मैंने तुझे बोला था भाई, दुकान के बाहर पैर रखते मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है, फिर भी तूने जबरदस्ती वो मोबाइल लिया, तो उसका 1500 मैं क्यों दूं? एक मिनट जेठालाल, तुमने मुझे गलत मोबाइल दिया था, इसलिए मैंने पैसे काट के दिए। वो तो मैंने तुझे बोला था ना, ठीक है क्या भाई? वो 1500। अरे भाई किसके मोबाइल की क्या बात चल रही है? छाड़ ना तू मोबाइल को, तू बता तू किधर से आ रहा पप्पू? अरे भाई नाके पे आम लेने गया था। इस बार कितने महंगे आम है, पाव डजन लिए। ओहो, अरे क्या ओहो क्या आती भाई उसमें, पाव डजन मतलब 3 आम। अच्छा दिखाओ तो सही, दिखाओ दिखाओ। हाँ ये देखिए। क्या बात है, हाँ बहुत मीठे हैं। मुझे आम से याद आया, और पिड़ू क्या हुआ, वो रत्नागिरी के खास लजीज हाफस आम का। हाँ मैंने रत्नागिरी काका को फोन किया था। हाँ। और लगा नहीं, वो मोबाइल खराब हो गया था ना। हाँ वो क्या आत्माराम, तुमने है ना वो बिना गारंटी वाले मोबाइल से फोन किया, इसलिए वो खराब हो गया। ये चांपली तो देखो। अय्यर यार तुम क्यों आग में घी डाल रहे हो? सही बात है। अरे भिड़े मास्टर, अब तो तुम्हारा फोन चलता है ना, फोन लगाओ। नहीं आती भाई, मैंने घर पे मोबाइल चार्जिंग को लगाया, तो मैं घर पे जाके फोन करूंगा। हाँ और मेरे लिए आम बोलना मत भूलना। हाँ भाई भिड़े, मेरे लिए भी रत्नागिरी के सस्ते और बढ़िया आम जरा मंगा दे। और मेरे लिए भी अगमारा मेरा तो आम सबके लिए मंगाएगा यार, एक बार बोल दो। भाई भिड़े रत्नागिरी के आम सबसे बढ़िया होते हैं, इसलिए सबके लिए मंगवा ही लेना भाई। और जेठालाल तुम्हें? नहीं भाई मुझे कोई आम बाम नहीं चाहिए। चलो मेहता साहब मैं निकल रहा हूँ। चलो 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 भाई चलो 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 भाई।